दूसरा आदमी मिल जाएगा, तुम सटा के उसके चक्कर में तुम सारे चारों बीमार हो जाओगे। ये कहना चाह रहे थे, ये रास्ता है, चारों आदमी बीमार पड़ जाओगे। एक आदमी लेके जा रहा है ना, दूसरा तू हो गया, दो आदमी तो हो गए, और जहाँ घर जाएगा वहाँ भी आदमी होगा कोई ना कोई। दूरी बना के बैठो भैया, देखिए ये लॉकडाउन 3 में कुछ व्यापार और कुछ दुकानों को छूट दी गई है क्योंकि जरूरत को देखते हुए उनको अलाउ किया गया है, लेकिन किसी भी प्रकार से ऐसे किसी भी व्यक्ति को परमिशन नहीं दी गई है जिसका कोई काम या कोई मतलब नहीं है। खासकर हम ये चेकिंग करवा रहे हैं कि मोटरसाइकिल पे जो दो दो लड़के घूम रहे हैं, और बहुत सारे ऐसे हम लोग प्रकरण में पकड़े भी जा रहे हैं जहाँ पे नाबालिग लड़के हैं जिनका घर से बाहर निकलने का अमूमन तौर पे कोई कारण नहीं है, जिनको बाहर नहीं होना चाहिए, ना वो कहीं नौकरी करते हैं, ना उनका कोई व्यापार या व्यवसाय है जहाँ पे वो लगे हुए हैं, उनके पास मेडिकल इमरजेंसी के अलावा कोई कारण नहीं है बाहर आने का, उनके लिए विशेष रूप से चेकिंग की जा रही है। इसके अलावा जनपद में अलग अलग जगहों पर मेरे द्वारा भी भ्रमण किया गया है और अभी पूरे जनपद में हमने अभियान चलाया है। ये देखने में आ रहा है कि चूँकि छूट दी गई है, कुछ लोग अपने काम पर जा रहे हैं, कुछ ज़रूरी काम से जा रहे हैं, लेकिन उसमें कुछ लोग ऐसे ज़रूर हैं जो मास्क नहीं लगा रहे हैं। तो हम लगातार मुजफ्फरनगर के सभी लोगों से ही अपील कर रहे हैं कि चाहे वो गमछा लगाएं, कपड़ा लगाएं, रुमाल लगाएं, ज़रूरी नहीं है कि वो 3 लेयर मास्क ही हो, लेकिन अगर घर से बाहर कोई निकल रहा है तो किसी ना किसी प्रकार का मास्क लगा के, चाहे वो रुमाल या गमछा ही क्यों ना हो, वो लगा के ज़रूर निकले। सर, कुछ मीडिया कर्मियों के खिलाफ भी कार्रवाई की गई? देखिए, अभी इस समय ये पाया जा रहा है कि क्योंकि मीडिया को छूट दी गई है कि वो अपना काम स्वतंत्र रूप से महामारी के समय में कर सकें, कोविड महामारी के समय में, उसमें काफ़ी ऐसे लोग हैं जो प्रेस का, मीडिया का आई कार्ड बना के घूम रहे हैं। अभी चेकिंग के दौरान हमारे द्वारा 2 ऐसे लोगों को पकड़ा गया है जिसमें एक का आई कार्ड एक्सपायर्ड भी था, और वो दोनों ये नहीं बता पा रहे थे, वो अपने संपादक का नाम नहीं बता पाए, वो ये नहीं बता पाए कि उनका ऑफिस कहाँ पर है, जिससे संदिग्धता प्रतीत होती है कि वो किसी अखबार के ना होके बल्कि एक फर्जी आई कार्ड के रूप में मीडिया कर्मी अपने आप को जता रहे थे। उनके भी वर्तमान में जांच की जा रही है, अगर ये पाया गया कि वो फर्जी है तो मुकदमा लिख के उनको जेल भेजा जाएगा। सर, निरीक्षण के दौरान कुछ बेवजह लोग घूमने को मिल रहे हैं? देखिए, काफ़ी जगहों पर ऐसा है कि लोगों को हम ये समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि यदि कोई ज़रूरी काम है तो ही बाहर निकलें, और अगर बाहर निकलते हैं तो मास्क ज़रूर लगाएं। तो लगातार लोगों को ये समझाया जा रहा है कि दो ही महत्वपूर्ण चीज़ें सबसे ज़्यादा इस समय हैं कि मास्क, रुमाल, गमछा कुछ भी ज़रूर मुंह पे लगा के रखें, और आपस में 2 गज दूरी ज़रूर बना के रखें। ये दूरी बना के रखना बहुत ज़रूरी है, चाहे आप दुकान पे हो, चाहे आप किसी काम पे हो, चाहे आप किसी व्हीकल के ऊपर हो, लेकिन आपस में दूरी बराबर बना के रखें, और कोई ना कोई मास्क के रूप में किसी ना किसी चीज़ को मुँह पर बांध के रखें। ठीक, थैंक यू। क्या सर, जो ठेके खुले हैं सर, इन पे एक वो फार्म जारी किया गया है सर, किस तरह का फार्म है, जो भी शराब लेगा सर फार्म पड़ेगा? देखिए, इसमें कुछ बेसिक हमारे द्वारा और प्रशासन के द्वारा कुछ बेसिक चीज़ें ध्यान में रखी जा रही हैं, ये देखने के लिए कि कोई इसमें होर्डिंग ना करे। दुकान वाले जो आ रहे हैं दुकान पे सामान देने, वो किसी ऐसे नाबालिग या किसी ऐसे व्यक्ति को ना दे जिसका अधिकार नहीं है, और दूसरा ये भी देखने के लिए, चेक करने के लिए कि ऐसा ना हो कि एक ही व्यक्ति बहुत सारा क्या कहते हैं सामान जो है उसकी होर्डिंग करने लग जाए, तो उसकी मॉनिटरिंग करने के लिए और सारी चीज़ें चेक करने के लिए व्यवस्था बनी रहे, अनुशासन के रूप में सारा काम हो, आपस में दूरी लोग बनाए रखें, अगर आते भी हैं तो मास्क लगा कर आएँ, और केवल वही आएँ जो उनके आसपास के क्षेत्र की जगहें हैं। ये नहीं कि भाई आपको अगर परमिशन दी गई है तो आप उसके बहाने पूरे शहर में गाड़ी लेके घूम रहे हैं। इन सब चीज़ों को चेक करने के लिए, उसकी रिकॉर्ड को रखने के लिए सारी चीज़ों के हिसाब से कार्रवाई की। सर, चेकिंग के दौरान कुछ लोग आए और शराब का पौधा दिखा दिया, हमको शराब लेना है ना फिर? इसमें लगातार हमारे द्वारा अपील भी की जा रही है, लोगों को बहुत स्पष्ट रूप से कड़े निर्देश दिए गए हैं सभी लोगों को कि आप अपने आसपास की दुकान पर ही जाके सामान खरीद सकते हैं, ये कोई पास नहीं है। अगर आप जा भी रहे हैं तो ये नहीं कि प्रतिदिन आप बार बार जाएं, उसको बार बार आप एक हथियार बना लें, एक जरिया बना लें शहर में मूवमेंट करने का। और इसमें बता दिया गया है कि अगर दोबारा या तिबारा बार बार लोग पकड़े जाते हैं और देखा जाता है कि इस बहाने से वो शहर में अकारण घूम रहे हैं, तो उनके विरुद्ध मुकदमा दर्ज करके उसमें उनको जेल भेजा जाएगा। थैंक यू। बच्चों का ध्यान रखिए सभी लोग,
आपका बच्चा बाहर आ रहा है किसी भी कारण से आ रहा है, कोशिश करिए बाहर ना आए, फिर भी अगर दो मिनट के लिए बाहर आ जाए गलती से, बच्चों को ये समझाइए कि मुंह पे कपड़ा रुमाल कुछ बांधना है, और ये नहीं है कि माँ ही पकड़ के बांधेगी, बच्चे में दिमाग होता है वो खुद भी बांध लेगा, उसे समझाओ तो सही कि इस समय ये समस्या चल रही है, बेटा वायरस है मुंह पे रुमाल बांध के रखना है अगर घर से बाहर किसी काम से जाते हो, बच्चा आपका समझ जाएगा, बच्चे में पूरा दिमाग है, बस थोड़ा सा ध्यान दीजिए बच्चों पे, ज्यादा ध्यान दीजिए, आप अपना काम करेंगे, बच्चा गली में आ गया खेलने के बहाने तो उसको यह पता होना चाहिए कि मास्क लगा के आना है, ताकि दो मिनट बाद जब आपको ध्यान आए अंदर ले जाओ इतने उसके मुंह पे कोई कपड़ा या मास्क बंधा हुआ हो। और ये आपकी गली में जितने हीरो किसो आज के तारीख में कौन सा हीरो देख रहे हो जो बिना मास्क के बाहर निकल रहा है घर से, कौन सी शान है इसमें कि बिना मास्क के घर से बाहर निकलेंगे,